जैसी की तैसी कर दी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की। इन धकेले बल्लेबाजों को तुम लोग अपने सर पे बिठा रहे थे, मैं तो गड्ढा खोद के गाड़ दूं इनको पकड़ के। अल्लाह की कसम, ये कौन सी जबान समझते हैं इतने, कोई कोई बगैरत किस्म के ये बंदे हैं, इनको लीगें खिलवा लो लेकिन जब मुल्क से खेलने की बात आएगी इनकी खुल जाती है उधर। ये हमारी क्रिकेट है, लानत है ऐसी क्रिकेट में। लगातार सातवीं हार, लगातार छह, तीन टेस्ट मैच हार गए ऑस्ट्रेलिया में, तीन टी20 हार गए आप न्यूजीलैंड में। आप क्रिकेट खेलने गए, हनीमून करने गए, आप पाकिस्तान को जलील और रुसवा, और ये वो न्यूजीलैंड है जिसे बांग्लादेश ने भी फेंट दिया। बदतरीन अप्रोच, उसके ऊपर घटिया तरीन बॉलिंग, ये है पाकिस्तान के वो लड़के जिनको आप आईपीएल में 25-25 करोड़ में बेचना चाह रहे थे। हमारा शाहीन आफरीदी देखो, हमारा हारिस रऊफ देखो, हमारा हारिस रऊफ घोड़े की तरह भागता है, चीते की तरह भागता है, ये खा जाएगा, ये वो कर जाएगा। ये हारिस रऊफ जब चार ओवर में 60 रन खाएगा, जब एक एक ओवर में तीन तीन छक्के खाएगा, ऐसी की तहसीन की। ये है 25 करोड़, ये है 25 करोड़ जिसकी आवाज निकलती है। इन लोगों को बैक करोगे जो दुनिया में कहीं भी तुम्हारे ऊपर पेशाब करवा दे। न्यूजीलैंड ने आज आपको हराया नहीं है, आप पिछले 6 माह से हार रहे हो, आज आपकी क्रिकेट का जनाजा निकला, आज आपकी क्रिकेट एक्सपोज हुई है, आज आपकी क्रिकेट का बेटा गर्क कर दिया न्यूजीलैंड ने पकड़ के भाई, क्योंकि आप एशिया कप में वनडे हारे, आप वर्ल्ड कप में कुत्ते की तरह जलील हुए, कुत्ते से बेहतर बुरा हाल आपका वर्ल्ड कप में किया गया है। इसको शर्म आनी चाहिए, ऐसे बेशर्म लोग आपने भर्ती के ऊपर से धमकियां देता है रिटायरमेंट की। अरे बेगैरत इंसान, आज ही लो रिटायरमेंट, गेट लॉस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस तरह के बेगैरत लोगों को आपने सर का ताज बनाया हुआ है, आप लोगों को शर्म नहीं है, हया नहीं है आप लोगों को? इस तरह के लोगों को आपने अपनी टीम में भर्ती किया और ऊपर से डर रहे हैं कि कहीं ये रिटायरमेंट ना ले लें? ये परफॉर्मेंस है यार, ये पैथेटिक तरीन परफॉर्मेंस। आपको कल के बच्चे ने मार मार के आपका बरकस निकाल दिया। इतनी इबरतनाक, इतनी दर्दनाक, इतनी हैबतनाक, इतनी शर्मनाक, इतनी जिल्लत अमेज हारे। मैं माफी मांगता हूं, हमने कहा था कि ये पाकिस्तान तो जीत ही जाएगा, विलियमसन भी नहीं। आई एम अमेज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम स्टंड, स्पीचलेस, टूथलेस, पावरलेस, और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मतलब कब, कौन सी टीम ला के दें? युगांडा को पता है, बुला लूं मैं आगे जी, युगांडा को लाओ जी इनको, शायद युगांडा को ये हरा दें। ये तैयारियां की थी आपने, ये तैयार किए थे आपने बगैर फ्यूज के मिसाइल, जिनके अंदर कोई ईंधन ही नहीं है, हवा में जैसे शुरली छोड़े शुर्र फुर्र करके नीचे गिरती है। ये लानत है ऐसी क्रिकेट पे, हमारी भी नींदें। हम माफी मांगते अपने दोस्तों से, कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे। हम नाग इतनी जिल्लत अमेज हारे, मैं माफी मांगता हूँ, हमने कहा था कि ये पाकिस्तान तो जीत ही जाएगा, विलियमसन भी नहीं। I am amazed, I am surprised, I am stunned, speechless, toothless, powerless, और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं ये पूछूं कि तीन मैच, तीनों में हमने बॉलिंग पहले क्यों की। मैं ये पूछूं कि ये जो सैम अयूब है और ये जो आकिब जावेद ने T20 के लिए तैयार किए थे, जमान और हारिस और शाहीन अफरीदी और ये सारे, और ये कलंदर के जो फखर और ना फखर और फलाने, ये तैयारियां की थी आपने, ये तैयार किए थे आपने बगैर फ्यूज के मिसाइल, जिनके अंदर कोई ईंधन ही नहीं है, हवा में जैसे शुरली छोड़े शुर्र फुर्र करके नीचे गिरती है। ये लानत है ऐसी क्रिकेट पे, हमारी भी नींदें। हम माफी मांगते अपने दोस्तों से, कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई शाम के 6 बजे है, कोई सुबह के 4 बजे है, तो हम आपसे माफी मांगते हैं कि ये बेगैरत टीम जो है आपको भी नींदें आपकी खराब करती है। नवाज पूरी कमेंट्री बॉक्स में हो रहा है, आज आप देखना फिर कुछ जगह पे, कुछ नहीं बल्कि 99.9 जगह पे बाबर आजम की मां बहन होगी, उसके कपड़े उतारे जाएंगे 156 प्लस के स्ट्राइक रेट पे। कोई नहीं कहेगा सैम अयूब का, कोई नहीं कहेगा कप्तानी का, कोई गोल टोपे वाली सरकार पे नहीं बोलेगा, कोई फखर पे नहीं। आजम खान 90 का स्ट्राइक रेट है, 4 की औसत है, 27-29 रन है, 7 इनिंग्स है। नोबडी विल अटर अ सिंगल वर्ड, नोबडी विल से इफ्तिखार चाचू वो गार्डनिंग कर रहा है, वो अपने बाग में टहल रहा है, एक प्लेयर आपके पास नहीं है। हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान को मिली लगातार तीसरी हार, यहाँ पर 3-0 से पाकिस्तान हार गया सीरीज। और यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उन्होंने पहले बैटिंग करते हैं 224 रन बनाए, जिसमें फिन एलन ने सबसे ज़्यादा 137 रन बनाए, वो भी 62 गेंदों में। पाकिस्तान की बॉलर को ऐसी मार पड़ी कि शाहीन आफरीदी ने भी यहाँ 4 ओवर में 43 रन दिया। और यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉलर नहीं, जो हारिस रऊफ की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 60 रन दिए, तो पाकिस्तान को यहाँ पर जमकर धुलाई हुई। और उसके बदले में पाकिस्तान ने सेकेंड बैटिंग करते हुए 20 ओवर में ओनली 179 रन ही बना पाए। तो ये देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया पूरा गुस्से में है। उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया को लगता है कि पाकिस्तान के हार की वजह कैप्टन है शाहीन आफरीदी है, जो अच्छा कैप्टन नहीं कर पाए, और भी
बहुत सारे उनका कहना है, आगे सुनते और भी वो क्या कहते हैं। और इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जो फिलहाल देखे 156 के स्ट्राइक रेट से ये कोहली नहीं है, ये बाबर आजम पट्टा डाले और पीसीबी के बाहर बांध दे, ये हमारी क्रिकेट है। लानत है ऐसी क्रिकेट में, लगातार सातवीं हार, लगातार छह, तीन टेस्ट मैच हार गए ऑस्ट्रेलिया में, तीन T20 हार गए आप न्यूजीलैंड में। आप क्रिकेट खेलने गए, हनीमून करने गए, आप पाकिस्तान को जलील और रुसवा, और ये वो न्यूजीलैंड है जिसे बांग्लादेश ने भी फेंक दिया। यानी हमारी टीम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अत्तर अली खान साहब, हमारी टीम बांग्लादेश से भी नीचे है। हमारी क्रिकेट जो है वो बुराइयों, बेगैरतियों, बेशर्मियों और गुमनामियों की उस दलदल में चली गई है। अगर फौरन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉक ना लगाई गई और एक वंस एंड फॉर ऑल इन क्रिकेटिंग इलिटरेट्स, इन जाली पीरों, इन दो नंबर प्रोफेसरों, इन घटिया बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटरों को पीसीबी में से, इन कैंसरों को ना निकाला गया, तो मेरी बात में अब ज्यादा टाइम नहीं है। यू हैव टू प्ले क्वालिफाइंग राउंड। बदतरीन अप्रोच, उसके ऊपर घटिया तरीन बॉलिंग, ये है पाकिस्तान के वो लड़के जिनको आप आईपीएल में 25-25 करोड़ में बेचना चाह रहे थे। हमारा शाहीन आफरीदी देखो, हमारा हारिस रऊफ देखो, हमारा हारिस रऊफ घोड़े की तरह भागता है, चीते की तरह भागता है, ये खा जाएगा, ये वो कर जाएगा। ये हारिस रऊफ जब चार ओवर में 60 रन खाएगा, जब एक एक ओवर में तीन तीन छक्के खाएगा, इसको शर्मा नहीं चाहिए। ऐसे बेशर्म लोग आपने भर्ती किए, ऊपर से धमकियां देता है रिटायरमेंट की। अरे बेगैरत इंसान, आज ही लो रिटायरमेंट, गेट लॉस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस तरह के बेगैरत लोगों को आपने सर का ताज बनाया हुआ है, आप लोगों को शर्म नहीं है, हया नहीं है आप लोगों को? इस तरह के लोगों को आपने अपनी टीम में भर्ती किया और ऊपर से डर रहे हैं कि कहीं ये रिटायरमेंट ना ले ले। ये परफॉर्मेंस है यार, ये पैथेटिक तरीन परफॉर्मेंस। आपको उस कल के बच्चे ने मार मार के आपका बरकस निकाल दिया आपके बॉलर्स का। आपको एक ओवर में तीन तीन छक्के मार रहा है, वो आपको दिखा रहा है, तारे दिखा रहा है। आपका कप्तान, उसको समझ नहीं आ रही कि कप्तानी की ABC क्या होती है, और आपने उसको एक लीग की कप्तानी के ऊपर आपने उसको जो है वो कप्तान बना दिया, उस बेस के ऊपर कप्तान बना दिया जो कि कैपेबल ही नहीं है कप्तानी का। उसके अपनी बॉलिंग के लाले पड़े हुए हैं, छुप जाता है पीछे जाके बुजदिलों की तरह जब मार पड़ना शुरू होती है और नए लड़कों के लिए आता है। शर्म करो, तुमसे बेहतर वसीम जूनियर ने बॉलिंग की है, तुमसे बेहतर जमान खान ने बॉलिंग की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम दो सीनियर्स हो, तुम दोनों सीनियर्स को शर्म आनी चाहिए। क्या क्या खेल, क्या खेल रहे हो, क्या टीम खिला रहे हो? आजम खान को बार बार कह रहे हैं खुदा के लिए टीम से बाहर निकालो, तुम्हारे पास यही टैलेंट बचा हुआ है। हर छह महीने के बाद ये टैंकर टीम के अंदर आ जाता है और आके टैंकर जो है वो जिसको तुमने भर्ती किया हुआ है, आके तीन चार इनिंग्स इसको देते हो, उसके बाद फिर हम जैसे बेवकूफ पागल इसको बार बार लाने की कोशिश करते हैं कि वाह जी वाह, इसने फलानी लीग में ये कर दिया फलानी। पहली बात तो यह है कि हमें लीग के चक्कर से निकलना चाहिए। अल्लाह की कसम, ये कौन सी जबान समझते हैं इतने कोई बगैरत किस्म के ये बंदे हैं। इनको लीगें खिलवा लो, लेकिन जब मुल्क से खेलने की बात आएगी इनकी खुल जाती है उधर, इनका बच जाता है घंटा। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज में पाकिस्तान का पकड़ के घंटा बजा दिया है। या जितने भी थर्ड क्लास किस्म के बॉलर, आरएस रऊफ टेपिये को बेटा कुत्ता बना के मारा उन्होंने, उसकी गली में संगली डाल के उसको घसीटा। शाहीन अफरीदी, तुझे बड़ी मिर्चियां लगी होती हैं, मुझे कप्तानी चाहिए, तेरे अंदर उन्होंने डंडा दे दिया पकड़ के। तुझे तेरी औकात याद दिलवाई है कि तू किधर से बिलोंग करता है बेटा। तेरा ना, तेरे से बेहतर इंडिया के पास क्लब लेवल के बॉलर हैं, जितना तेरे अंदर मिर्चें लगी हुई थी ना। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड क्लास, मेरे घंटे का वर्ल्ड क्लास है तू, मेरे घंटे का तू वर्ल्ड क्लास है। 225 रन आप खा गए हो और बनाने टाइम आपको भाई आपको समझ नहीं आ रही। वो आपका क्रिस गेल, साईं अयूब, वो फुदड़ आगे वाली बाल को, और आगे वाली बाल को स्टेप अप करके सामने खेल दे, उधर खड़ा होकर सामने खेल दे। वो फुदड़ का बच्चा नो लुक शॉट में कन्वर्ट कर रहा है उसको। वो तेरे अंदर कौन सा कीड़ा है जो हर बाल में तूने यहाँ टांगे उठ। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया बौखलासी गई है, गुस्से में लाल हो चुकी है, गुस्से में उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके 3-0 से हार लिया। अब यहाँ पर पहले इन्हीं मीडिया का कहना था कि हमारे पास ऐसा बॉलर है जो 150 से कम बॉलिंग नहीं फेंकता, कोई भी बैट्समैन हो उनके सामने दो मिनट खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन अब जैसे न्यूजीलैंड के साथ 3-0 से हार गए तो यहाँ पर उनका रिएक्शन बदल गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कैप्टन खराब है, शाहीन आफरीदी यहाँ पर अच्छा कैप्टन नहीं है। अब यहाँ पर हारने के बाद तो सब ऐसा कहते। तो आपको यह क्या लगता है जरूर कमेंट कर लीजिए, और इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए।